है, और ये है छोटे छोटे से टमाटर, हरे भी हैं, इसमें लाल टमाटर भी हैं, देखिए। तो इसकी चटनी ना पीले भी है। तभी दोस्तों यहाँ पे ना चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और मेरी तैयारी हो रही है अभी धारे पे पानी लेने के लिए जाना है। तो मेरी तैयारी हो रही है अभी गागर लेकर के धारे पे जाने की, क्योंकि सबसे पहले हम पीने का पानी लेकर आएंगे। और आज से मेरे साथ आपको भी जा रही है, सबसे पहले हेलो हाय नमस्ते करो। हेलो नमस्ते, कैसे हो? आज ना मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि ना पापा ना कहीं जा रखे हैं गाड़ी लेके, और ना मम्मी ना और मम्मी और मैं पानी के लिए जा रहे हैं, और बुल्ला बुआ और दादी के साथ घर में। और देखिए दोस्तों सुबह सुबह के नज़ारे का कैसा हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम। तो क्या है कि आज ना बादल लगे हुए हैं, ये देखो, और धूप ना बहुत ही हल्की सी है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। अगर दोस्तों हम ना जब पहाड़ के चांद को देखते हैं ना, तब ना हमें जैसे हम नीचे देखते हैं ना, हमें हमारी नोज निकल जाती है जब हम खांसते हैं दो बार। तो अरे वो चांद नहीं होता, सूरज होता है, उसको देखने से ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे धूप की तरफ मुंह करो तो एकदम छींक भी आ जाती है। तो अक्कू का कहने का मतलब वही है। तो आजकल क्या है, काफ़ी ठंडा हो रहा है, जबकि ना अप्रैल एंड होने ही वाला है। तो लेकिन ना पहाड़ों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गर्मियों का मौसम है, इतना ठंडा हो रहा है कि हम लोगों ने स्वेटर पहनी हुई है, बच्चों को भी फुल स्लीव्स अंदर से इनर वगैरह पहनानी पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पानी लेने के लिए। ये पहन के रखा है, एक दिन हो गया, मैंने बहुत दिन मैंने पहन के। और आज ना अक्कू भी आ गई मेरे साथ ना अपनी स्कूल की बॉटल लेकर पानी लेने के लिए। चल बेटा, गाले मुँह होते, भाभी बुला रही तुझे, जाए डांडर खाओ पिया, नीना लाने का फिर है। चल और टाइम हो रहा है ना 7 बज रहे हैं, वैसे 7 बजे तक धूप तो आ जाती है, लेकिन ना आज बादल लगे हुए हैं इसलिए धूप नहीं आ रही है अच्छे से। देखो वहाँ का धूप है और यहाँ पे नहीं है। आपको मुझे कह रही मम्मी जल्दी चलो, वहाँ कोई आ गया धारे पे, कोई नहीं पानी तो मिल ही जाएगा आपको। हमारे गांव में और ये पानी की दिक्कत, पानी नहीं आ रहा है गांव में, इसके हमें जाना पड़ रहा है धारे पे। देख कौन आ रहा है, ममता बुआ, कौन आ रखो ममता बुआ आ रही है। हाँ जल्दी चल मम्मी, वहाँ देख कोई आ गया तारे पे। देखो ममता आ गई पानी लेकर के। यहाँ से वैसे ना नीचे धारे पे जाते हैं जब पानी नहीं आता, आजकल तो खैर पानी आ ही रहा है, तो यहाँ पे से भरेंगे, यहाँ पे पाइप लगा है, पहले पाइप को हटाएंगे। तो ये वाला जो पाइप है ना दोस्तों, ये जाता है सीधा मेरी बहन के घर पे पानी, तो पहले हम भर लेंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे पाइप को। तो पानी का सोर्स काफ़ी तेज है, वो भरो ऐसे नहीं से खोल के दो। बस आपको अपनी बॉटल भरेगी सबसे पहले है ना, आपको धो लो पहले, एक बार धो लो उसे, धो लो ऐसे से करो ना, ऐसे करना। लो अब लगाओ यहाँ, बस आपको की बॉटल भर गई स्कूल की। चलो मम्मी कभी रुक रुक आता है, और कभी ना जब हम पेट खोलते हैं ना तब ना
जो भरना कराते हैं ना उसमें छींटे पड़ने लग जाते हैं। मेरे को देखो कितने सारे छींटे पड़ गए हैं। तो आज पति देव घर में नहीं है, वरना ना वही लेके आता है। सुबह के जो पानी की ड्यूटी लाने की होती है अक्सर वही लाते हैं, और मैं कभी कभार आती हूँ जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तब। तो आज वह है नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा, और अभी घर जाके ना नाश्ता भी बनाना है। तो फटाफट पानी भरते हैं और घर चलते हैं और घर पर मिलते हैं। तभी दोस्तों अपनी ना गागर भर ली है हमने, और यहाँ पर ना पाइप लगा दिया दोबारा से। अब फटाफट चलते हैं घर। चलो चलो चलेगी आ गया। तभी दोस्तों हम ना पानी लेकर के घर पहुंच गए हैं, और अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। और पीछे से बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही होगी, इतनी प्यारी सी चिड़िया की चहकने की आवाज़। बहुत ही मीठी सी आवाज़ है। और आज के नाश्ते में बनाऊंगी आलू के पराठे, तो उसके लिए क्या है चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए मिर्च, और यहाँ पे ना हमारे जो है मिर्च के पौधे लगाए थे, और इन पे देखो ये फूल लगे हुए हैं। तो इधर वाली जो मिर्ची है ना इसमें तो मिर्च नहीं लगी है, अभी फूल लग रहे हैं। और जो यहाँ पे नीचे है ना दो पौधे मिर्च के, एक ये और एक ये, तो इसमें क्या है कि इस फूल के साथ साथ ना मिर्च भी लगी हुई है, देखिए ये है। और इसमें तो थोड़ी छोटी छोटी मिर्च लगी हुई है, लेकिन इस वाले में है ना काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च भी लगी हुई है। मिर्च निकाल लेते हैं चटनी बनाने के लिए। ये देखिए चार मिर्च निकाली है मैंने इसमें से, अब इसमें और भी काफी लगी हुई है, और साथ साथ फूल भी लगे हुए हैं। तो आलू के पराठे के लिए चटनी बनानी है, उसके लिए मिर्च निकाल दी है। अब चलते हैं, आपको भी ना मेरे पीछे पीछे घूम रही है आज तो है को? चलो। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे किचन में, और यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए ना मसाला तो पहले तैयार कर दिया था, और इधर आटा भी लगा रखा है। जब मैं पानी लेने गई थी तो उससे पहले मैंने मसाला तैयार कर दिया था। बस अब चटनी बनाएंगे और उसके बाद फटाफट से नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च है, धनिया है, और ये है छोटे छोटे से टमाटर, हरे भी हैं इसमें, लाल टमाटर भी है, देखिए। तो इसकी चटनी में पीले भी है इसमें। देखो ये कितना बड़ा है, ये देखो ये कितना छोटा है, पीछे का बनाई है, और ये देखो ये तो और भी छोटे छोटे हैं। तो इसकी बॉल की तरह इनसे तो बॉल खेलना चाहिए। तो इसकी चटनी ना बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो ये बनाएंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ना चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये देखो। तो अब बस फटाफट से आलू के पराठे बनाएंगे और फिर करेंगे। टाइम हो गया है लगभग सुबह के 8:30 हो गए हैं, और नाश्ता बनके भी बिल्कुल तैयार हो गया है, सब लोगों ने खा लिया है, बस मैं बची हूँ। तो अब मैं भी नाश्ता करूँगी। तो ये देखिए आज के नाश्ते की थाली तैयार हो गई है, इसमें ये है गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में चाय है, घी है, और साथ में चटनी भी है। और ये वाली जो थाली है ये मेरी थाली है, बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। तो एक बारी मैं भी फटाफट से गर्मा गर्म पराठे खा लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ। अभी दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और अभी मैं आई हूँ ऊपर वाली छत में। तो यहाँ पे ना ये रखे हुए हैं गेहूँ, जिनकी हमने अभी कटाई करी, तो कुछ हरे हैं कुछ इसमें सूख गए हैं, और इधर भी रखे हैं अलग अलग दो दो गठियाँ बना रखी हैं। तो ये वाले गेहूँ ना इस पूरी छत में मुझे फैलाने हैं, क्योंकि ये जब अच्छे से सूख जाएंगे ना तभी इसके दाने इससे निकल पाएंगे, अभी निकल नहीं रहे हैं, तो इसलिए। तो चलिए इनको फैलाते हैं पहले एक बार। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है लगभग 10 बज गए हैं, और बाहर ना अच्छे से धूप भी निकल गई है, तो मैंने अभी आद्विक को नहला भी दिया है। ये देखो आद्विक ना नहा धो के रेडी हो गया है, यहाँ पे पलटी मार के आराम से खेल रहा है। आद्विक
आद्विक ये देखो कैसे दिख रहा है, आद्विक 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 देखो अभी अभी अपना ये ना बिल्कुल भी सीधा नहीं रहता, जैसे हम इसे लिटाते हैं ये बस पलटी मार देता है। आद्विक और आपको यहाँ से वीडियो बना रही उसकी फोन से। आद्विक आद्विक आपको वीडियो बना रही है ना फोन से, तो वो उधर ही देख रहा है, इधर नहीं देख रहा। आद्विक यहाँ देखो, ये देखो आदु आपको रहने दे, मत कर तो देख, इधर देखेगा आप देख रहे हो। आद्विक हेलो, नाई नाई होगी आद्विक की, नाई नाई होगी भाई। मैं दिख लेनी नहीं।